हाँ लकी ड्रॉ, बहुत ही अच्छा और सही आइडिया सोचा है बाने। जिसका नाम लकी ड्रॉ में निकलेगा वही जाएगा सिंगापुर। लेकिन मोटा भाई, मेरा नाम चिट्ठी में से कैसे निकलेगा? मेरा नाम तो आप सब लोग के मुंह में से निकलता है। गट्टू। हाँ ऐसे देखा, अभी आपके मुंह से निकला ना मेरा नाम, तो चिट्ठी में से कैसे निकलेगा? गट्टू भाई, हम लोग तेरा नाम चिट्ठी में लिखेंगे ना। याद है 100 मील का सपना पूरा करने के लिए हमने बाबा बापूजी की शादी फिर से करवाई थी, याद है? हाँ। फिर उसमें बापूजी का अनवर मतलब बेस्ट मैन कौन बनेगा ये तय करने के लिए हम लोग ने चिट्ठी डाली थी। फिर उसमें से मोटा भाई का नाम निकला था। याद आया, तो मेरा नाम अभी पक्का निकलेगा चिट्ठी से, जैसे मोटा भाई का नाम पक्का निकला था। पक्का मतलब? मतलब मोटा भाई मैं बोलूं, उस वक्त है ना प्रवीण भाई ने हर चिट्ठी पे आपका नाम लिखा था। मोटा भाई ऐसे इस बार हर चिट्ठी पे मेरा नाम लिखने का, गट्टू। तो फिर मेरा नाम पक्का निकलेगा ना? नहीं मोटा भाई, ये तो यार, अरे गट्टू तो कुछ भी बोलता रहता है मोटा भाई, आप भी क्या कहा जा रहा? प्रवीण रो, समझ गया मोटा भाई। अरे क्या आप कह रहे मोटा भाई? मेरे बात क्यों गए ये लोग? चिट्ठी डालो ना हेमल, चल फटाफट चिट्ठी डाल, मेरा नाम पक्का निकलने वाला है। जैसे ही चैताली जीतेगी ना, मैं सीधा सिंगापुर। याद रखना बेटा, तुझे जीतना है, अगर हार कर आई तो देख लेना। अरे क्यों मारा मुझे? अरे ये शर्म, मार क्यों रहे हो नालायक? बच्चे को डरा रहा है? जीत के आना, नहीं जीती तो देख लेना। बाहर सिंगापुर जाना है तो बच्ची को थोड़ा जोश तो दिलाना पड़ेगा ना। अरे इस तरह जोश दिलाएगा तो जो याद है वो भी भूल जाएगी। ये देख बेटा, कोई तुझे कुछ भी कहे बेटा, तू अपने मन के सुनना। फर्स्ट प्राइज सिंगापुर की ट्रिप है, इसलिए तुझे जीतना है। ये भावना मन में से निकाल दे। तुझे जीतना है तेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, तो सबसे बेहतर है ये साबित करने के लिए। इन शॉर्ट, तुझे जीतना है। चाय? हाँ रखो लीला, रखो यहाँ, ये सब पूरा करने के बाद पी लूंगा मैं। ये क्या है? हाँ बॉबी से चिट्ठियां बनाने लगे। अरे भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी चैताली सिंगापुर जाने का हमारा सपना पूरा करके ही रहेगी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। मैंने कहा वो सुना नहीं आपने? इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए, क्योंकि जिस कॉन्टेस्ट में आपकी चैताली पार्ट लेने वाली है वह अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अच्छे अच्छे स्कूल का मतलब? क्या हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जाते? इस घर के बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं मैं जानती तक नहीं। मैं तो अपनी सिमरन की बात कर रही थी, वो टाउन के बेस्ट स्कूल में जाती है। और स्पेलिंग्स, ओह माय गॉड, वो स्पेलिंग्स तो यूं बना लेती है। ओह अमेजिंग। मतलब आप यही कहना चाहती हैं ना कि सिमरन भी उस स्पेलिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही है? नो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो कॉन्टेस्ट सिमरन ही जीतेगी। इसीलिए आप ये सपने देखना और चिट्ठियां बनाने की मेहनत करना छोड़ दीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस में तो आप जी रही हैं। सोचिए अगर सिमरन हार गई तो क्या हो गया? अरे हम लोग फिर भी, इनफैक्ट कभी भी सिंगापुर जा सकते हैं। तुषार, एक फोन ट्रैवल एजेंट को करेंगे एंड ज़ूम टू सिंगापुर। हमें ऐसा कॉन्टेस्ट जीतने की, ऐसे सपने देखने की कोई जरूरत नहीं। आपको पार्ला छाप लोगों को ऐसी मेहनत करने की जरूरत है। एनीवेज, सिमरन कॉन्टेस्ट जीते ना जीते मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पड़ता है। हम मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास लोगों के लिए हमारे बच्चों की हार जीत से बहुत फर्क पड़ता है। हमारे लिए सिंगापुर जाना वाकई बहुत बड़ा सपना है चारूबाला बेन। हम लोग कहीं जाते हैं ना तो एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते हैं। जो लोग सिंगापुर जाएंगे वो लोग वहाँ का हर पल कतरा कतरा इंजॉय करेंगे, और जो लोग वहाँ नहीं जा पाए हैं ना उनके लिए पूरा सिंगापुर
कैमरे में कैद करके लाएंगे और फिर हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठकर वो सारे पल दोबारा जिएगा। खूब हंसेंगे, खूब मजे करेंगे और अगले साल फिर से जाने के सपने देखना शुरू कर देंगे। आप 50 बार वर्ल्ड टूर करके भी आ जाए ना तो भी आप इतना एक्साइटेड नहीं हो सकती हैं। हर बात में एक्साइटमेंट होना जरूरी थोड़ी ना है। हाँ, पर हमारे लिए है चारू। लेट्स कम टू द पॉइंट। आप लोग चाहे कितने भी सपने देख लीजिए लेकिन ये कॉन्टेस्ट जीतेगी मेरी सिमरन। तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि हमारी चैताली ही जीतेगी और आपकी सिमरन को हराएगी। लगी शर्त? लगी।